नगर के माउंट लुटराजी स्कूल में कल्मिनेशन डे वार्षिक समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम भारतीय रंग पर विद्यालय के बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक झांकियों, नृत्य, लोक कला का प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देश के शहीद जवानों पर एक भावुक नाटिका का मंचन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में विद्यालय के प्री प्राइमरी विंग के सभी मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। बच्चों ने हरियाणा के किसानों पर आधारित शानदार नृत्य प्रस्तुत कर सभी की वाहवाही बटोरी। संगठन और प्यारे बच्चों, आज प्री प्राइमरी के वार्षिक समापन समारोह में छोटे छोटे बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, उसे देखकर पता चलता है कि उनके अंदर कितनी ऊर्जा, लगन और गुण है। विद्यालय के चेयरमैन हंस कुमार जैन, विजेंद्र जैन, प्रधानाचार्य विनय चौधरी एवं कोऑर्डिनेटर रूपाली सैनी ने कहा कि बच्चों ने उम्मीद से बढ़कर इस कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे संरचनात्मक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने से बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। इन सभी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना भगवान से करते हैं ये आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक भी शामिल हुए। आज हमारे एकेडमिक सेशन का समापन था, जो नए सेशन से पहले एक गुड विशेज होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा माउंट लुटराजी स्कूल में ऐसा नहीं है कि सब जैसे बाकी स्कूलों में होता है एग्ज़ाम्स हो या कुछ भी। वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ ब्लेसेस टू देम और हम उनके चहुमुखी विकास में विश्वास रखते हैं। तो हर एक बच्चा हमारे लिए यूनिक है, इसीलिए हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाता है इस पर, चाहे भले ही वो किसी भी कला में निपुण हो, चाहे डांस में हो, चाहे सिंगिंग में हो या फिर पढ़ाई में हो। पढ़ाई में आगे बहुत सारे अवसर मिलेंगे उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम केवल उनको उस तरीके से उस कला को निखारने के लिए, उस कला को प्रकट करने के लिए चांस देते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी हेजिटेशन को रिमूव कर सके और आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ को अपनाएं और उनका भाषा के दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनका विकास हो। विनय चौधरी, माउंट लुटराजी स्कूल बड़ौत में, एज ए प्रिंसिपल आई एम वर्किंग हेयर। आज हम लोगों ने अपने स्कूल में एक प्री प्राइमरी सेक्शन का कल्मिनेशन प्रोग्राम रखा, जिसमें जिसकी थीम थी डिफरेंट कल्चर ऑफ इंडिया, राइट। इस प्रोग्राम के जरिए हम बच्चों में ऐसे संस्कार डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि बच्चों को हमारी 28 स्टेट्स हैं उनके बारे में पता चले। हमारी अलग भाषाएं होती हैं, अलग हमारा खाना पीना होता है, अलग तरह से हमारा पहनने का तरीका होता है, रहने का तरीका होता है। तो बच्चों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि 28 राज्य भारत के आज की डेट में हैं, उन राज्यों में किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, किस तरीके से वो अपना आपस में जो है भाईचारा बना के रखते हैं। तो कलर ऑफ कल्चर्स का जो हमने प्रोग्राम रखा, इसके जरिए बच्चों के अंदर भारत की विभिन्न विभिन्न डाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे जातियाँ हैं, धर्म हैं, उसके बारे में बच्चों को ज्ञान दिया गया। उद्देश्य स्कूल का यही है कि जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भारत के बारे में, इंडिया के बारे में ये नॉलेज हो, ज्ञान हो कि हम लोगों ने किस तरीके से आज़ादी पाई, किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया, इतने शहीद हुए, जब जाके हमें ये महत्वपूर्ण दिन प्राप्त हुआ, जब हम 1947 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता का दिन, वो रात
जब हमारी वो दिन हमें मिला देखने के लिए, उसके पीछे बहुत लोगों का बलिदान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात बड़ौत वासियों को कहना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को अपने शहीदों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में पूरा पूरा ज्ञान दें। स्कूल उसमें पूरी तरह भागीदार है। माता पिता भी वही प्रयास करें कि बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट, हर तरीके से विकास उसके अंदर हो सके। हंस कुमार जैन, चेयरमैन माउंट एटरा जी स्कूल बड़ौत। सर, आज विद्यालय में क्या कार्यक्रम है जी? आज का कार्यक्रम प्री प्राइमरी क्लास का वार्षिक समापन समारोह का कार्यक्रम था। इसमें बच्चों ने भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति के ऊपर व भाषा के ऊपर अनेक कार्यक्रम दिए, जिससे अनेकता में एकता, हमारे भारत के राज्यों के अलग अलग संस्कृति में जो जो भाषा है, जो जो पहनावा है, अनेकता में एकता का संदेश दिया कि अलग अलग होते हुए भी सब एक है।